नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सैनी श्री राम आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें अपन ने हेनरी मोडली की आवर्त सारणी तक पढ़ लिया था। इसके बारे में पढ़ लिया था हेनरी मोडली की आवर्त सारणी के बारे में। हेनरी मोडली ने भी तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक सारणी बनाई, जिसे हेनरी मोडली की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। कौन सी सारणी कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। इस आवर्त सारणी में हेनरी मोडले ने 7 आवर्तों का निर्माण किया था। किनका निर्माण किया था? 7 आवर्तों का निर्माण किया था तथा 28 वर्गों का निर्माण किया था। इन 7 आवर्त और 18 वर्गों में उसने सभी तत्वों को, किनको? सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। कैसे व्यवस्थित किया था? सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। अब इसके आवर्त सारणी में जो आवर्त थे, क्या थे? आवर्त थे, वे तत्व के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं या तत्व के ऊर्जा स्तरों के बारे में बताते हैं। ऊर्जा स्तर का मतलब उस तत्व की या उस परमाणु की कितनी कक्षाएं होंगी, उनके बारे में ये आवर्त बताते हैं। जैसे सोडियम परमाणु होता है, इस सोडियम परमाणु को हेनरी मोडले ने 3रा आवर्त में रखा है। पिछले आवर्त सारणी में अपन देख चुके हैं सोडियम को कौन से आवर्त में रखा है? 3रे आवर्त में रखा है, ठीक है। तो इस सोडियम परमाणु की जो कक्षाएं होंगी या इस सोडियम परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जितने ऊर्जा स्तर होंगे, उन ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अर्थात जो हेनरी मोडले के आवर्त सारणी में आवर्त हैं, वो तत्व के ऊर्जा स्तर या तत्व की कक्षा के बारे में बताते हैं। ऐसे ही हम पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब पोटेशियम का जो नाभिक होगा, उस नाभिक के चारों तरफ कितनी कक्षाएं होंगी? 4 कक्षाएं होंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, 1, 2, 3 और 4। अर्थात जो हेनरी मोडले के आवर्त सारणी के आवर्त हैं, वो ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। अब इस बात की पुष्टि कैसे करें कि इसके 4 ऊर्जा स्तर होंगे? तो पोटेशियम का आप निकाल लीजिए, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 1s2 पहली कक्षा, 2s2, 2p6 दूसरी कक्षा, 3s2 एंड 3p6 तीसरी कक्षा एंड 4s1। और क्या जाएगा? 4s1। देखो, 2 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 1 19, ये हो गई पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। अर्थात पोटेशियम परमाणु कितनी कक्षा है? 4 है। और हेनरी मोडले ने इस कौन से आवर्त में रखा है? 4th आवर्त में रखा है। अर्थात ये हेनरी मोडले के जो आवर्त हैं, वो आवर्त किसको प्रदर्शित करते हैं? ऊर्जा स्तर या परमाणु की कक्षाओं के बारे में हमें बताते हैं। तो ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अपन हेनरी मोडले का आवर्त सारणी जितना भी अपन ने पढ़ लिया था। अब आज जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, वो एक है, देखो, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बारे में आप सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं या जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, और इस नाभिक के चारों तरफ जितनी कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनकी संख्या के बराबर ही उस तत्व का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। अर्थात परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे होती है? बराबर होती है। इसी के आधार पर क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। जैसे पोटेशियम को मैंने यहाँ निकाल के बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उस परमाणु को क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्थात जो हेनरी मोडले की आवर्त सारणी मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है, या हेनरी मोडले ने अपनी आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया था, ऐसे समझ सकते हैं। तो हेनरी मोडले जो था, उसने अपनी आवर्त सारणी को कैसे व्यवस्थित किया? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। तो आज की जो वीडियो, उस वीडियो में एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप सभी जानते हैं, लेकिन आज फिर से अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालें। जो आपकी सिलेबस है, उस सिलेबस में परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या
या परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इससे ज्यादा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके काम में नहीं आने वाला है। दूसरा, अब ये जो आवर्षण 7 और 8 और 18 भूमि तत्वों को जो व्यवस्थित किया है, अब उन तत्वों में से जो हमें तत्व काम आने वाले हैं उन तत्वों को किस प्रकार से याद रखें, इसके लिए एक ट्रिक होती है। उस ट्रिक के बारे में अपन पढ़ेंगे या उसके बारे में अपन जानकारी देंगे कि तत्वों को कैसे याद रखा जाए। तो पहले अपन तत्वों को याद रखने की ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो तत्वों को कैसे याद रखा जाए। देखो हेनरी मंडली के आवर्त सारणी कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे और वर्ग कितने थे? 18 वर्ग थे। और इन 7 आवर्त और 18 वर्गों में उसने तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। परमाणु क्रमांक हमें बताता है कि ये जो आवर्त सारणी है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अब इस आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उन तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, किसके आधार पर? बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, उस आधार पर हेनरी मोजले ने, जिसने हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को, किसको? अपनी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया है। कितने ब्लॉकों में? 4 ब्लॉकों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सी और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। इन 4 ब्लॉकों में उसने अपनी आवर्त सारणी को विभाजित किया है। अब एस ब्लॉक में कौन से तत्व को रखा जाता है, पी ब्लॉक में कौन से तत्व को रखा जाता है, डी ब्लॉक में कौन से तत्व को रखा जाता है? तो देखो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिसमें जिस तत्व की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एस कक्षक में जा रहा है, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम को ही ले लेते हैं अपन, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो ये होता है 1s2 पहली कक्षा, 2s2 एंड 2p6 दूसरी कक्षा एंड 3s1 2, 4, 6 कितना हो गया? 10 और 11, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉनों को बने भर दिया। और ये अंतिम कक्षा कौन सी हो इसकी? तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसके बाद कोई कक्षा है नहीं है, तो ये कौन सी कक्षा हो जाएगी? अंतिम कक्षा। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में जा रहा है? एस कक्षक में जा रहा है, इसलिए ये सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार से पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को अपन कैसे याद रखें, ठीक है, उसी प्रकार से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स काम आने वाले हैं उन एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला ले लेते हैं अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से? एस ब्लॉक के एलिमेंट। कि एस ब्लॉक के तत्वों को या एस ब्लॉक के एलिमेंट को किस प्रकार से याद रखा जाए, ठीक है। तो देखो ये जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अर्थात एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या
दो के तत्वों को रखा गया है। इस गोलोक के एलिमेंट में से वर्ग संख्या एक के जो तत्व है उनको अपन क्षारीय धातु कहते हैं। कौन से धातु? क्षारीय धातु के तत्व। इसी प्रकार से वर्ग संख्या जो दो के तत्व उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कौन से कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, अब इस एस ग्लोब के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन वो एस कक्षक में जाता है, इसलिए एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं? एस ग्लोब के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक 20 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, और प्रोटोनों की संख्या भी 20 होगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? 4, 4, 6, 10, 2, 12, 6 कितने हो गए? 18 और 4s2। ठीक है, अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन कौन सा? अंतिम कक्षक कौन सी है? ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये हो गई चौथी। इसके बाद कोई कक्षा है नहीं है, तो ये कौन सी होगी? अंतिम कक्षा। और अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? एस कक्षक में जा रहा है। तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि एस ब्लॉक को उसने जो ब्लॉक है उन ब्लॉकों को हेनरी मेंडेलियन ने भारकम को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर विभाजित किया था। अब एस ब्लॉक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है? सॉरी, एस ब्लॉक के एलिमेंट में एस कक्षक का एलिमेंट, एस कक्षक का अंतिम कक्षा में एस कक्षक का एलिमेंट आएगा, इसलिए कौन सा हो गया? एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ठीक है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखोगे उसमें अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एस कक्षक में ही जाएगा, इसलिए इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट अपन कहते हैं। ठीक है, अब इस एस ब्लॉक के एलिमेंट को अपन याद कैसे रखें, तो देखो उसके बारे में कैसे याद रखेंगे अपन इस एस ब्लॉक के एलिमेंट को। पहला वर्ग ले लेते हैं, तो पहला जो वर्ग है उस पहले वर्ग को याद रखने की ट्रिक देखो क्या होती है। अलीना सी रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है, है से एक स्पेलिंग एच, है से हाइड्रोजन, डी की स्पेलिंग एल, आई बी से लिथियम, ना की स्पेलिंग एन ए, ना से एन ए से सोडियम, की के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम, रबड़ी रब आर बी, रुबेडियम क्या हो गया? रुबेडियम सस्ती, सी एस टीजियम फ्री, एफ आर फ्रांसियम। ठीक है, तो ये वर्ग संख्या एक के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। इसी प्रकार से वर्ग संख्या दो को याद रखने की ट्रिक होती है, कि वर्ग संख्या दो को इस प्रकार से याद रखा जाए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो देखो बेटा का स्पेलिंग बे बी ई, ठीक है, तो इसको क्या बेरिलियम, मांगे एम जी, मैग्नीशियम, कार सी ए, क्या हो गया कैल्शियम, स्कूटर एस आर स्ट्रॉन्शियम, बाप बी ए बेरियम, राजी आर ए बेरियम। तो ये एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। वर्ग संख्या एक के तत्वों को याद रखने की ट्रिक ये है, ऐसे ही वर्ग संख्या दो को याद रखने की ट्रिक ये है। अब अपन पी ब्लॉक के तत्वों को किस प्रकार से याद रखें उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो अपना एक पी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को रखा गया है? वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के तत्वों को रखा गया है। अब इसी वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को याद रखने की कौन सी ट्रिक होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्ग संख्या 13, देखो वर्ग संख्या 13 के एलिमेंट्स
को याद रखने की ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। तो ये वर्ग संख्या 13 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। बैंगन बी से बोरोन, आलू एल से एल्युमिनियम, गाजर जी ए गाजर, जी ए से गैलियम, इंडियम क्या हो गया, इंडियम, ठीक है, इन से आई एन इंडियम, और थैला टी एल थैलेनियम, ठीक है, क्या हो गया, थैलेनियम। तो ये वर्ग संख्या 13 के तत्व को याद रखने की ट्रिक है। अब बात आती है वर्ग संख्या 14 के तत्व को याद रखने की ट्रिक। तो वर्ग संख्या 14 के तत्व होने को कैसे याद रखें, कहे सीता जी सुनो प्रभु, देखो कहे कै सी से कार्बन, सीता जी सी एस आई सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है, जी ए क्या हो गया, जर्मेनियम, एस एन टेन, पी बी क्या हो गया, लेड, क्या हो गया, लेड, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीसा, क्या बोलते हैं, सीसा। तो ये वर्ग संख्या 14 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। अब आती है वर्ग संख्या 15 के बारे में बात। वर्ग संख्या 15 के तत्व को याद रखने की ट्रिक कौन सी, देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, देखो नेपाल का एन, ठीक है, नेपाल ने एन, एन से क्या बन गया, नाइट्रोजन, पाकिस्तान पी फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया और ए एस अर्शेने, सब एस बी एस टीमी क्या हो गया, एस टीमी, ठीक है, और भिखारी बी आई विश में। तो ये वर्ग संख्या 15 के तत्व को याद रखने की ट्रिक है। अब बच रहा है अपना वर्ग संख्या 16 17 और 18। तो वर्ग संख्या 16 17 और 18 के तत्वों को कैसे याद रखें, देखो अब ये वर्ग संख्या 16 के ये तत्व हैं, इन तत्वों को याद रखने की ये ट्रिक है। ओ स्टाइल से टीपो, ओ से ऑक्सीजन स्टाइल का एस, एस से सल्फर, से एस ई सेलेनियम, टी से टी ई टेल्यूरियम, ओ पी ओ पोलेनियम, ठीक है। तो ये वर्ग संख्या 16 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। इसी प्रकार से वर्ग संख्या 17 के तत्वों को अपन याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर एफ फ्लोरी, फिर कल सी एल फ्लोरी, बाहर बी आर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टाटिन, क्या हो गया, एस्टाटिन। अब देखो वर्ग संख्या 18 के तत्वों को, ये हो गया वर्ग संख्या 18 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक, हरि नारायण और कराले एक्सरे, हरि एच ई अ ई नारायण, एच ई का मीडियम नारायण एनी न्योन, और ए आर क्या हो गया, आर्गन, कराले के आर, क्रिप्टन एक्स एक्स एन रे आर एन, एक्स एन जेनोन और रे रेडन, ठीक है। तो ये वर्ग संख्या 18 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है, 17 और ये 16 के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। अब ये वर्ग संख्या जो 18 में जो तत्व रखे हैं, इन तत्वों को अपन उत्कृष्ट गैस कहते हैं, या इन तत्वों को अपन अक्रिय गैस कहते हैं, जो किसी अन्य गैस के साथ या अन्य किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। वर्ग संख्या 16 के जो तत्व है, इनको अपन ऑक्सीजन फैमिली के तत्व कहते हैं, कौन सी फैमिली के तत्व, ऑक्सीजन फैमिली के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से वर्ग संख्या जो 13 के तत्व है, उनको बोरोन फैमिली के तत्व, और वर्ग संख्या
14 के तत्व हैं उनको कार्बन फैमिली के और वर्ग संख्या 15 के जो तत्व हैं उनको नाइट्रोजन फैमिली के और तत्व कहते हैं। तो ये वर्ग संख्या और ये फ्री ब्लॉक के तत्व हैं जिनको अपन याद रख सकते हैं इस प्रकार से। अपन देखो एस ब्लॉक बनाते जाएं इसी प्रकार से पी ब्लॉक बना दें। हमें आवर्त और वर्गों के बारे में भी पता है कितने आवर्त होते हैं कितने वर्ग होते हैं। अब उन वर्गों में से अब ये भी हमें पता है कि पहले आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया दूसरे आवर्त में कितने तत्वों को रखा है इसी प्रकार से सातवें आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है। तो पी ब्लॉक ऐसे ब्लॉक वाइज उनको एलिमेंट्स याद हो तो अपन पूरी आवर्त सारणी बना सकते हैं। उस आवर्त सारणी का क्या फायदा है इसे ट्रिक से कि यदि इन ट्रिक से हमें तत्व याद होंगे और आवर्त सारणी का हमें पता ही है कि कौन से आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है तो अब इस आवर्त इन ट्रिक को डायरेक्ट ब्लॉक वाइज याद रखो और ब्लॉक वाइज याद रखने के बाद ब्लॉकों को ब्लॉक में ही जैसे ब्लॉक एस ब्लॉक के एलिमेंट्स अपन याद है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को भर दो ऐसे ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें याद है तो पी ब्लॉक को भर देंगे डी ब्लॉक के ट्रिक याद है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भर देंगे और इस प्रकार से अपन उसकी आवर्त सारणी की आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु क्रमांक में भी आसानी होगी अपन को याद रखने में कि भाई अपन ये पता ही परमाणु क्रमांक किससे लेगा हाइड्रोजन का 1 हीलियम का 2 लिथियम का 3 इस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ता चलेगा। तो पी ब्लॉक एस ब्लॉक ब्लॉक वाइज अपन यदि आवर्त सारणी में एलिमेंट भर देंगे यदि अपन को ट्रिक याद है तो अपने परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे और उस परमाणु क्रमांक की सहायता से अपन क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है परमाणु क्रमांक। अब अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन आवर्त के अनुसार याद रखेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन कैसे वर्ग के अनुसार याद रखा था लेकिन अब इसमें अपन एलिमेंट्स को आवर्त के अनुसार याद रखेंगे। अब ये जो चौथा आवर्त है चौथे आवर्त में से पहले जो वर्ग के पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के जो तत्व है उनको अपन ने एस ब्लॉक में पढ़ लिया था। अब बी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तीसरे से लेकर 12वें वर्ग के तत्व तक आते हैं तो अपन आवर्त में तीसरे आवर्त के 10 तत्वों को पूरे तत्व 10 तीसरे आवर्त के जितने तत्व हैं 13 से लेकर 13 से पहले और 3 से लेकर जितने तत्व हैं उन तत्वों को याद रखने की ट्रिक ये है। तो ये आवर्त सारणी का आवर्त संख्या चौथा के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। इसका टीवी कमरे में फेंको नीकू जी तो इसका का एससी क्या बन गया स्कैंडिनेवियम। ठीक है टीवी टीआई क्या हो गया टीआई टाइटेनियम। ठीक है वी वेनेडियम कमरे में सीआर क्रोमियम में एमएन मैग्नीज फेंको एफी फेरस फेंको सीओ को का क्या होगा सीओ कोबाल्ट नी एनआई निकिल कू सीयू क्या हो गया कॉपर जी जेड एन जिंक। तो ये आवर्त संख्या चौथे को याद रखने की ट्रिक है। अब आती है आवर्त संख्या पांच के बारे में पांच को किस प्रकार से याद रखा जाए यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े आप। ठीक है यारी का हो गया वाई और जरा जेड आर निभाना एम बी मौत एम ओ तक टी सी रुकावट का हो गया आर यू टू रहा आर एच पड़े पी बी आग ए जी और कूद नाना सी डी। तो ये आवर्त संख्या पांच के तत्वों को याद रखने की ट्रिक है। ठीक है तो यारी का वाई से क्या हो गया इत्रियम जेड आर क्या हो गया जर्कोनियम एन बी क्या हो गया नियोबियम एम ओ मोलेबिडेनियम ठीक है टी सी टेक्सियम टेक्नीशियम ठीक है आर यू रुथेनियम और आर एच रोडियम ऐसे ही पी बी क्या हो जाएगा क्लाडियम और आग ए जी से क्या हो जाता है चांदी क्या हो गया चांदी। ठीक है तो ये आवर्त संख्या
पांच को याद रखने की ट्रिक है। आवर संख्या पांच को अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब आती है आवर संख्या छह के बारे में कि आवर संख्या छह को कैसे याद रखें। आपके जो है आप आवर संख्या चौथे चार के जो तत्व हैं उनको याद रख लेना और वर्ग संख्या पहली और दूसरी अर्थात एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रख लेना। ये दो ब्लॉक के एलिमेंट्स ही आपके ज़्यादातर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये मैं छठे आवर्त की भी याद रखने की ट्रिक लिख दी है। ला हफ्ता वर्णारे ओ सलमान इधर पिटाई और होगी। ला से पता क्या बनेगा, लेंथेनियम। ठीक है, क्या बन गया, लेंथेनियम। हफ्ता हाफनियम। ठीक है, टी ए टेंटेलम, डब्लू टंगस्टन, आर ई रेनियम, ओ एस ओशियम, आई आर इरीडियम, पी टी प्लांटिनम, ए यू क्या होता है सोना को बोलते हैं अपन ए यू और ठीक है, और एच जी मर्क्यूरी अर्थात पारा। तो ये वर्ग संख्या सॉरी आवर संख्या चार पाँच और छः को याद रखने की ट्रिक है, जिसमें से आपको आवर संख्या चार को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखेंगे अपन। क्योंकि ये यहाँ तक जो तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, जिनका अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो काम आने वाले तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व आपके अधिकांश से काम आएंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पर अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।